नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं नंद किशोर यादव। जी हां, कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मसूद अजहर को जब से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है तब से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नंद किशोर यादव। देखिए, अजहर मसूद जब से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ है तब से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। ये सब लोग को ममता भर रहा है, उनके संगठन के लोग, उनके सहयोगी पार्टी, किसी को उनको कभी साहब कहते हैं, कभी जी कहते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव से परेशान हैं और मोदी जी की सरकार की कूटनीतिक सफलता है कि आज मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ है। अब इन बातों को बोल करके वो बिहार देश की जनता का, कांग्रेस जहाँ विश्वास खो रही है वहाँ जनता के मन में कांग्रेस के प्रति आक्रोश भी पैदा हो रहा है। कांग्रेस अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है। बीजेपी समझौता कर दी, ये भी कहना होगा, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे, हम कभी समझौता नहीं। मैंने कहा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो गया तो देश भर में जश्न का माहौल है, सारा देश प्रसन्न है, लेकिन कांग्रेस के लोग बेचैन और परेशान हैं। तो सुन लिया आपने, किशोर यादव ने कांग्रेस के ऊपर बौखला जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया मसूद अजहर तब से कांग्रेस के अंडसंड बयान आ रहे हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, हमको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।